नथिंग फोन 2A वर्सेस रेडमी नोट 11। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोज मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधा वेट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास नथिंग फोन 2A वर्सेस रेडमी नोट 11। तो गाइस बात करते हैं रेडमी नोट 11 की, तो यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं नथिंग फोन 2A की, तो यहाँ पे भी आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे सेम 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है, प्लस 50 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको रेडमी नोट 11 के अंदर एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं नथिंग फोन 2A की, तो यहाँ पे आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी नथिंग फोन 2A और इसी रेडमी नोट 11 के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन टॉकिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो आपने फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल देखे हो मैंने इसी नथिंग फोन 2A और इसी रेडमी नोट 11 के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक किए थे,
तो गाइज आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली जो वो नथिंग फोन 2A का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। अगर आपको भी इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है तो नथिंग फोन 2A कर सकते हो। अगर रेडमी नॉट 11 आपका पूरा ना हो चुका है स्पेशली कैमरे के लिए, इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो नथिंग फोन 2A एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इफ यू गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।